नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन एक मिनट दस बड़ी खबरों में। तो चलिए रुख करते हैं आज की दस बड़ी खबरों की तरफ। चीन से विवाद के बीच जोधपुर के आसमान में उड़ान भरेंगे भारत और फ्रांस के राफेल विमान। इस अभ्यास को स्काईरॉस नाम दिया गया है। भाजपा पर भड़की बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कहा टैगोर की धरती पर नफरत की राजनीति नहीं होने दूंगी। हल्द्वानी में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बनकर तैयार। तितलियों, मधुमक्खियों, पक्षियों और कीटों की 50 से ज्यादा प्रजातियां हैं मौजूद। असम में लगा कांग्रेस पार्टी को झटका, दो वर्तमान विधायकों ने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों विधायकों ने अजंता नियोग, पहले कांग्रेस पार्टी में मंत्री रह चुके हैं। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज का किसान नेता राकेश टिकैत पर प्रहार, कहा राजनीति की वजह से दे रहे हैं उलझुल बयान। कोरोना की फर्जी वैक्सीन की रोकथाम को सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई जनहित याचिका। इस याचिका में केंद्र सरकार और अन्य को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्त दिशा निर्देश जारी करने की अपील की गई है। भारत ने एक बार फिर चीन को चेताया, वायुसेना अध्यक्ष बोले LAC सीमा पर हम भी हैं तैयार, वैसे हम चाहते हैं शांति। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में COVID-19 से मरने वालों में 70% पुरुष हैं। बतौर मंत्रालय, COVID-19 से मरने वाले 45% लोग 60 वर्ष से कम आयु के हैं। मुंबई में चमकी ठंड, इस मौसम में सबसे कम 15 डिग्री तक लुढ़का पारा। 15 जनवरी तक स्कूल बंद। लंदन में नीलाम होने जा रही है महात्मा गांधी की कटोरी चम्मच, शुरुआती कीमत 55,000 ब्रिटिश पाउंड रखी गई है। ब्रिटेन के ब्रिस्टल में 10 जनवरी को होगी नीलामी। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपको ये खबरें पसंद आई हो तो शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।